Hello everyone, welcome back to my channel Learn at the Rate Sing Sir. In today's video, we are going to talk about use of क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा अब मेरा, क्या होगा अब तुम्हारा. इस तरह के वाक्यों को हम डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते हैं. क्या होगा अब मेरे दोस्तों का, क्या होगा अब उस देश का. इस तरह के वाक्यों को हम देखेंगे. इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं. स्ट्रक्चर कहता है व्हाट विल बिकम ऑफ, हम लोग इस्तेमाल करेंगे व्हाट विल बिकम ऑफ या व्हाट विल हैपन ऑफ प्लस अदर वर्ड्स जिसमें वर्ब भी लग सकता है, एडजेक्टिव भी होगा और सेंटेंसेस प्लस लास्ट में हम लोग इसको नाउन यूज करेंगे. अब तक का इस्तेमाल करते हैं. चलिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आगे के एग्जांपल्स को देखते हैं. क्या होगा अब मेरा, क्या होगा अब मेरा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन या व्हाट विल बिकम ऑफ मी नाउ. नाउ व्हाट विल हैपन या व्हाट विल बिकम ऑफ मी नाउ. क्या होगा अब मेरा, क्या होगा अब तुम्हारा, क्या होगा अब तुम्हारा. व्हाट विल बिकम ऑफ यू नाउ, व्हाट विल बिकम ऑफ यू नाउ. अब तुम्हारा क्या होगा, हम लोग अक्सर बोलते हैं अब तुम्हारा क्या होगा. तुमने तो एग्जाम फेल कर लिया, तुम्हारे एग्जाम चाहे तुम्हारी ट्रेन निकल गई, अब तुम्हारा क्या होगा. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलेंगे व्हाट विल बिकम ऑफ यू नाउ. क्या होगा अब उस बच्ची का, व्हाट विल बिकम ऑफ दैट चाइल्ड नाउ. What will become या what will happen to that child now? अब उस बच्ची का क्या होगा, उसके माँ बाप गुजर गए हैं तो उस बच्ची का क्या होगा. इस तरह के वाक्यों को हम बताएंगे इस तरह से. क्या होगा अब मेरे दोस्त का, क्या होगा अब मेरे दोस्त का. What will become of my friends now? What will become of my friends now? अब मेरे दोस्तों का क्या होगा या दोस्त का क्या होगा. Now it's your turn. Write down below in given comment box. क्या होगा अब उस देश का. अभी आप श्रीलंका की स्थिति को देख रहे हैं तो श्रीलंका की स्थिति को देखते हुए ये चीज कहा जा सकता है कि अब उस देश का क्या होगा जहां मॉनेटरी स्थिति पूरी खराब हो चुकी है. तो इसे डू ट्रांसलेट एंड राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.